कर्नाटक के उडुपी में एक स्कूल से हिजाब तनाजे की शुरुआत हुई थी। जो कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आज जब फैसले की घड़ी आई तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही बट गए। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के दो जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया को फैसला सुनाना था। कोर्ट रूम में जस्टिस हेमंत गुप्ता का फैसला हिजाब बैन की हिमायत में था, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया का फैसला हिजाब बैन की मुखालिफत में। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी रवायत नहीं है, तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना या नहीं पहनना ये अपनी पसंद के ऊपर है, लेकिन सबसे जरूरी है लड़कियों की तालीम। दोनों जजों की अलग अलग राय होने की वजह से बेंच ने हिजाब मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया। लड़की का अपना चॉइस है, वो अपने सिर पे हिजाब रखना चाहे, सिर पे अपना दुपट्टा रखना चाहे या जो भी कुछ करना चाहे, इट इज हर ओन चॉइस। ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है जस्टिस धूलिया ने। डिफरेंट रूल्स है और डिफरेंट गाइडलाइंस अगर गवर्न होना होगा तो उससे उसके एजुकेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने ये चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दिया है, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के ऊपर। हिजाब पर अब आगे की बात यह है कि अगले हुक्म तक हिजाब पर पुराना फैसला ही नाफिज रहेगा, यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें उसने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने पर बैन लगाया था अभी जारी रहेगा। सीजीआई अब मामले की समाप्त के लिए बड़ी बेंच की तश्कील करेंगे और नई बेंच अब फैसला सुनाएगी। ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट की, अब सियासत की बात करते हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब को बेवजह का मुद्दा बताकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताया। तो हाई कोर्ट का जजमेंट था वो इट वाज बैड इन लॉ और उसके कंटेंट में भी वो खराब था और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। वहीं समाजवादी पार्टी के MP शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि अगर हिजाब हटाया जाएगा तो आवारगी बढ़ेगी और हालात बिगड़ेंगे। भाई समाज पर बुरा असर पड़ेगा और इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगे तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया कि चूंकि बेपर्दा रहने से और उधर लड़के भी जवान होते हैं तो समाज का माहौल खराब होता। कांग्रेस और BJP दोनों ने बर्क के बयान की आलोचना की। शफीकुर रहमान साहब पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे स्वयं सवाल करता हूं कि जो देश की माइनॉरिटी की बेटियां हिजाब नहीं पहनती तो क्या वो आवारागर्दी करती हैं? ये लोग केवल और केवल हिजाब के आड़ में इस देश में कट्टरता को बढ़ाना चाहते हैं। इस हिंदुस्तान की राजनीति में दो शख्सियत ऐसी जिनके बयान पे कुछ भी बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे बक साहब, वैसे बिज साहब है, अनिल बिज जी हरियाणा के गृह मंत्री, वो पता नहीं किस टकसाल से निकाल कर कौन सा बयान लादे। आवाज उनका है कि हिजाब नहीं लगाना चाहिए। हरियाणा में BJP सरकार के वजीर अनिल विज के ट्वीट की भी अपोजिशन मजम्मत कर रहा है। विज ने लिखा था कि जिन मर्दों का खवातीन को देखकर मन मचलता था उन्होंने ही खवातीन को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।